जी पूछ सकें, तो हम यही पूछ लें उससे फिर। देखो जो जी टी एम है ना, उसमें अगर आप सिम्टम्स की बात करो तो जी टी एम में, नॉट ओनली इन जी टी एम, हर मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी में आपने मरीज से पेशेंट के सिम्टम्स, उस मेडिकल डिसऑर्डर का जो असर बेबी पे हो, जो पेशेंट फील करे, वो भी साथ पूछना है, और साथ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। ये तीन कॉम्पोनेंट हैं हर मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी के हिस्ट्री में, जो आपने रूल आउट करना होता है। अगर आप जी डी एम की बात करो, उसमें जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, उसमें आपने पेशेंट की लैंग्वेज में पूछना और एग्जामिनर को भी उसी लैंग्वेज में बताना है। जैसे आप पॉलीयूरिया, उसे ये नहीं कहो, पॉलीयूरिया नहीं कहोगे, आप कहोगे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, मोर एपिटाइट, उसके अलावा जो है डिलेड वुंड हीलिंग, ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शंस, ये सारे जी डी एम में, ये आप एक पूरी लाइन में, पॉली यूरिया, पॉली डिप्सिया, पॉली पेप्सिया, ज़्यादा प्यास भी लगना, वो सारा कुछ भी, ठीक है, इंक्रीज थर्स्ट, ये, उसके बाद फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। देखो प्रेगनेंसीज़ में ये ओवरलैपिंग सिम्टम्स तो हैं, लेकिन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं होती, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में डिलेड वुंड हीलिंग नहीं होती, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक हद तक इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होता है। जो पेशेंट रात को दो दफ़ा उठ रही है यूरिन करने, वो फिर नॉर्मल नहीं बात, ठीक है ना, और वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड में भी रात को नहीं उठना होता, क्योंकि वो फिर अपना खुद वाटर इनटेक को मैनेज कर लेती हैं, कि रात को हम बगैर थोड़ा 3 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें, बाकी के दिन पिएं, अगर प्रेगनेंसी में ज़्यादा यूरिन आ रहा है नॉर्मल केस में। लेकिन जो प्रेग्नेंट विद डायबिटीज़ है, वो चाहे कुछ भी अपने वाटर इनटेक को करेगी ना, रात को उठना यूरिन के लिए वो रह जाता है उसका, ठीक है ना, तो देर इज़ अ डिफरेंस। तो उसके अलावा पॉसिबली जो क्या क्या डायबिटीज़ के साथ हो सकता है प्रेगनेंसी में, वो हाइपरटेंशन करता है, बिकॉज डायबिटीज़ इट्सेल्फ इज़ अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, लेटर ऑन माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस आती हैं, और PIH डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो आप ये भी BP का भी पूछते हो, इस वजह से डायबिटिक पेशेंट में BP का भी पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा इट डिपेंड्स कि GDM है या पुराना है, अगर पुराना है तो डेफिनेटली फिर तो आई चेंजेस, हार्ट का मसला और रीनल चेंजेस, ये भी आप पूछोगे, क्योंकि अगर वो पुरानी है तो उसने कभी ना कभी किडनी चेकअप भी कराया होगा, हो सकता है ECG और वो तो बता देगी, लेकिन ये आपने मेटर्नल सिम्टम्स उससे पूछ लेना है। फिर बेबी पे पॉसिबल जो इफेक्ट आ सकता है, आप उससे पूछोगे कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट गर्थ, उसको लगता है कि ठीक बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग जेस्टेशन, ठीक है, यानी पॉली हाइड्रो एमनियास आपने रूल आउट या माइक्रोसोमिया रूल आउट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेटली वही फीटल मूवमेंट्स या वो सारा, साथ में सेंट्रल इंसफिशेंसी का भी चांस इसीलिए होता है बिकॉज इट्स अ माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़, तो और फिर बेबी नॉर्मलीज और वो सारा आप पूछ लोगे प्री टर्म का, तो ये सारे मिला के एक हिस्ट्री बनेगी, ठीक है, सिर्फ 2-3 बातें नहीं। इसी तरह अनीमिया में होता है, देखो अनीमिया के जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलैपिंग है विद नॉर्मल प्रेगनेंसी, हर पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ के सांस चढ़ेगा, हर पेशेंट को अर्ली फटीग होगी, हर पेशेंट को जो भी आप कह लो वो सब कुछ होएगा, लेकिन अनीमिया को आप कार्डियक से भी कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कार्डियक मरीज में साइनोसिस की हिस्ट्री पूछेंगे, चेस्ट पेन की हिस्ट्री पूछेंगे, रात को सोते हुए उठ तो नहीं जाती या बैठ के सांस आता है वो पूछेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो एनीमिक पेशेंट है उसमें ये सारा कुछ नॉर्मल होएगा। और उसके अलावा जो हम रूल आउट करें कि एनीमिक को नॉर्मल प्रेगनेंसी से कैसे फ़र्क करें और किस पेशेंट में ब्लड लगना है, वो सारे भी सिम्टम्स स्पेसिफाइड हैं। जो पेशेंट कहे कि मैं घर में काम ही नहीं कर सकती, हमारे सेटअप में, हमारे मुल्क में होते हुए, अगर वो पेशेंट कह रही है कि मेरे तो घर का काम ही दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो गया, शी कैन नॉट ईजली इवन कुक फूड, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, या तो वो सिवियरली एनीमिक है या फिर हार्ट डिजीज़ का कुछ ऐसा मसला है। तो ये सारी चीज़ें ही हिस्ट्री, इसलिए तो कहते हैं हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, क्योंकि वो आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें वेक से सिम्टम्स चल रहे होते हैं, आपने रूल आउट करना है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, यही सारा हिस्ट्री का है स्किन, तो उसमें आपने वो करना होता है, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई वैसे क्वेरी, कोई क्वेश्चन? प्लेसेंटा में क्या डिस्कस किया है, क्रीटा में नहीं किया फिर सर ने कुछ? चलो नेक्स्ट टाइम का फिर होगा, आप लोग ज़रा जल्दी आया करो टाइम पे, बहुत देखो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्लेसेंटा प्रीविया क्रीटा का ना, तो अभी रुक जाए, वो आ जाए प्रेगनेंट, जाहिर देखा ही होगा। तो क्या था सबसे कॉमनेस्ट, क्या है कॉज,
जॉन्डस की प्रेगनेंसी में। हेपेटाइटिस ई इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज बट इट्स नॉट वेरी कॉमन, कॉमन नहीं होनी चाहिए। जॉन्डस की बेनतहा कॉजेज है, लिवर डिजीज सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है, लेकिन कॉजेज सारी आपको आनी चाहिए, वही आपकी हिस्ट्री का हिस्सा होगी। लिवर से पहले वाले मसले, लिवर के मसले लिवर के बाद, हम तो इसी तरह डायग्राम बना के याद करते थे। प्लीज़ सारी फिजियोलॉजी पढ़ लेना प्रेगनेंसी में, लिवर डिजीज़ पढ़ने से पहले इसकी फिजियोलॉजी पढ़ लेना कि बिलीरुबिन किधर से बना, ब्लड सेल टूटे तो कौन सा बिलीरुबिन बना, फिर वो लिवर में क्या था, लिवर के बाद वो इंटेस्टाइन में जाके क्या बना, इंटेस्टाइन से यूरिन में जाके क्या बन रहा है, वापस लिवर में क्या आ रहा है, वो सारा इसलिए आना चाहिए क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है लिटरली 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। हमने उतनी डिटेल में नहीं जाना जैसे हमने MBBS में पढ़ा था, बट एटलीस्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कब ज़्यादा है, अनकॉन्जुगेटेड कब ज़्यादा है। उसके अलावा ये कि वो हिमोलिसिस में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लेटर ऑन आप पेशेंट मैनेजमेंट बड़ी इफेक्ट करती है, क्योंकि जो लिवर डिजीजेज है ना ये बहुत ज़्यादा फीटल मॉर्बिडिटी से रिलेटेड, मेटर्नल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी तो अलग है ही, फीटल मॉर्बिडिटी से बहुत रिलेटेड है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इट इज़ इंक्रीजिंग सो मच। जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे हम तो कोई एक आधा केस देख लेते थे जॉन्डस का आ गया या वो, अब तो आई थिंक एवरी अदर, जैसे आपने कहा आजकल तो हेपेटाइटिस ई इतना फैला हुआ है, हर इस वक्त वार्ड में 2 हेपेटाइटिस ई विद प्रेगनेंसी ज़रूर लेते होंगे, इट इज़ सो कॉमन, ठीक है ना। गवर्नमेंट में तो मेरा ख्याल और भी ज़्यादा होंगे, तो प्राइवेट सेटअप्स में एवरी अदर डे हेपेटाइटिस ई विद प्रेगनेंसी की पेशेंट्स आ रही हैं, वाटर की वजह से हर इसमें लिवर डिजीज़ के मरीज़ में आपको जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी स्टार्ट विद, देखो हेपेटाइटिस नो डाउट इज़ अ कॉमन कॉज फॉर लिवर डिजीज़, लेकिन हेपेटिक ये इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी भी बहुत कॉमन है, ठीक है, उसकी भी एक मैनेजमेंट पैथोफिजियोलॉजी सारी आनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट हो, कोई थोड़ी सी मुझे हिस्ट्री के पॉइंट्स बताए कि क्या क्या पूछोगे अदर देन द रूटीन एंटीनेटल हिस्ट्री। इचिंग के साथ, ठीक है, और यूरिन के बारे में पूछेंगे, स्टूल के बारे में पूछेंगे, भूख कैसे लगती है, वेरी गुड, आती है स्टूल का कलर क्या है आपको, ठीक है, थकन का पूछेंगे, ज्यादा आपको फटीग तो नहीं होती है, ठीक है, और ठीक है, और पेट में दर्द की भी नौजिया वम, देखो हिस्ट्री में ना तरीके से चलना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी एनीमिया की एक एग्जांपल दी है, तो मैंने पहले बात की है फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फिर कहीं जाके मैं एंड पे गई हूँ साइनोसिस, रात को उठ जाती हैं सांस ख़राब से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से, ये बातें इसी सीक्वेंस में चलना होता है। अगर पेशेंट जॉन्डस का कह रही है सबसे पहले उसे फीवर का पूछोगे, नौजिया वॉमिटिंग का पूछोगे, सिर्फ ख़तरनाक चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता ना, मरीज़ ने जॉन्डस कह दिया तो फ़ौरन से तो नहीं उस पर आ जाते कि एकदम से हम उसे साइटिस की बात नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। हम सबसे पहले उसे नौजिया हुआ होगा, फिर उसे जॉन्डस हुआ होगा, फिर उसका लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ होगा, फिर वो आगे आगे चली होगी ना, फिर उसका वो सब होगा, तो आपने जो है ना नहीं थैंक यू, तो फिर आपने ना आहिस्ता आहिस्ता उसको करना है, आगे लेके जाना होता है। इसी तरह सबसे पहले आपने ये चीज़ें, फिर इचिंग, नौजिया वॉमिटिंग, फीवर, जॉन्डस, इचिंग, ये पूछ के लॉस ऑफ एपेटाइट और वो सारा, फिर आप पूछोगे यूरिन का कलर, स्टूल का कलर, फिर कॉजेज DD जॉन्डस की, कोई आपको लग रहा है उसने ड्रग्स ऐसी ली हैं जो हिमोलिसिस कर रही हैं या फिर लिवर पे इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उसके अलावा उसका उसे डायरेक्टली पूछ लोगे कि हेपेटाइटिस AE का कुछ तो नहीं निकला, ये हमारी कैंडिडेट भी आ गई हैं, AE का तो नहीं, वेरी गुड, और एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया हेल्प, बिल्कुल, और क्या LFTs, वेरी गुड, और एक्यूट फैटी लिवर, ये नहीं भूलना, और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कौन कौन से, AE, B और C, ठीक है, ये सारे, ये तो आपको ये तो रूल आउट करना है। अब इन सबको डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसका एक कौन सी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है, वो सारा कुछ वो आपको आना चाहिए। तो हिस्ट्री के अंदर आपने ये सारा पूछ लेना है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का पॉइंट कि फैमिली में तो नहीं किसी को और हुआ हुआ, रिकरेंस तो अलग बात है, वो तो फैमिली हिस्ट्री है। इस वक्त एक्यूट तो नहीं किसी को हेपेटाइटिस ई हुआ हुआ फैमिली में, या किसी और को जॉन्डस हुआ हुआ फैमिली में,
कंटेजियस है ना, ये जो ए और ई है उसका क्या रूट है। देखो हेपेटाइटिस की जो बात है उसमें रूट सबका सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ए और ई का क्या है, बी और सी का, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। और जो है सी है वो आईवी ड्रग से भी फैलते हैं। देखो जो इन्फेक्शंस है ना, या तो फीको ओरल हो गई, जो ब्लड वाली है ना उनके तीन रूट्स होते हैं, वो उसी तरह ही बोल रहे हैं। देखो हर चीज़ का ना जवाब देना ये तो एक बड़ी वास्ट फिर बात होगी, क्योंकि इतने हर सारी चीज़ें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो। अभी जितने भी कब एग्ज़ाम आप लोगों का, अक्टूबर में वाइवे हैं, अभी तब आ रहा है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, चलो अभी तो 3 महीने तो हैं फिर भी। अभी इसमें आपको हर चीज़ का ना जवाब बड़ा एलैबोरेटेड शॉर्ट बट वेरी गुड आना चाहिए। इस तरह नहीं, इस तरह तो आपके 11 मिनट में सिर्फ आप यही बताते रह जाओगे कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि आईवी भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकती है, कोई मतलब दिस इज़ नॉट एन आंसर। आपको एक आना चाहिए सेक्चुअल पारेंट्रल वर्टिकल, ये तीन लफ्ज़ बोलो, ठीक है। अब मतलब देखो आप पार्ट टू का वाइवा देने जा रहे हो, इस तरह थोड़ी वो हो रहा है कि आप जो हो वो करो। ये कोई पार्ट वन का वाइवा तो नहीं है, ये एमबीबीएस का वाइवा, ठीक है। हर चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दो। तीन तरीके होते हैं जो भी ये ब्लड के थ्रू होती हैं, सेक्चुअल, पारेंट्रल और वर्टिकल। इनका फिर आपको मतलब आना चाहिए। वर्टिकल में आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन, कि ट्रांसप्लेसेंटल है, और ब्रेस्ट फीडिंग का भी जिक्र करोगे साथ। इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती, इस तरह निकलते हैं 11 मिनट। 11 मिनट बहुत ही कम वरना लगते हैं पूरे सब्जेक्ट को कवर करने का। लेकिन आपने सुना होगा कि जो बहुत अच्छे वाइवे होते हैं दे एंड अप इन डिस्कसिंग रीसेंट एडवांसेस। कभी सोचा है उसका क्या फिर बात, वो कैसे वहाँ तक पहुँचती है, पेशेंट डिलीवर करके घर जाके कॉन्ट्रासेप्शन होके बेबी भी ठीक हो गया, उसके बाद रीसेंट एडवांसेस की भी बात हो गई 11 मिनट में, कैसे हो गई? उन लोगों की हो गई जिनको जवाब देने आते हैं। क्योंकि देखो पार्ट टू के वाइवे तक जो पहुंचते हैं ना, दे हैव क्लियर देयर रिटन, दे हैव वो सब एक जैसे लोग होते हैं। जो रिटन क्लियर कर लेना वो लाइक लोग ही होते हैं, रिटन इज़ नॉट ईजी टू क्लियर। वो थ्योरी भी पढ़ लिया, जिन्होंने टॉक्स भी कर लिया उनको प्रैक्टिकल भी पता है। तो अब फिर वाइवे की ज़रूरत क्यों थी, ठीक है ना? तो अब वाइवा इसीलिए ना कि यू शुड नो हाउ टू आंसर। एक कंसल्टेंट की तरह जवाब देना, आपको वो लगे कि ये कंसल्टेंट के काबिल है। ये तो MBBS का आंसर है, ये तो TV पे भी बता रहे होते हैं कि IV के थ्रू फैलता है, ये उसके थ्रू फैलता है, ये वो, नो नॉट लाइक दिस। इसी तरह कोई बात करें, किसी ड्रग की बात की है, आपको पता होना चाहिए व्हाट दे मीन बाय ड्रग। ड्रग एक मरीज़ ने कहा है कि मैं फलानी मैं लिबिटलॉल लेती हूँ, आपको पता होना चाहिए आपने क्या 3-4 बातें पूछनी है उससे। आपने उसके कंप्लायंस पूछनी है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स पूछने हैं, उसका इफ़ेक्टिवनेस देखनी है, दैट्स इट, बात ख़त्म। इसीलिए आप देखो पासिंग रेट अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया, बिकॉज ऑफ सो गुड कोर्सेज दैट आर गोइंग ऑन, इसलिए अवेयरनेस और ज़्यादा बेहतर हो गई है। लेकिन फिर भी अभी पासिंग रेट बहुत कम है, हालांकि कितना आसान एग्ज़ाम है। वेरी फ्रेंकली वी नो द टॉपिक्स, टॉपिक्स आर लिमिटेड, आधा पेपर आउट है, 30 मिनट्स आपने ख़ुद परफॉर्म करना है, डिसीजन सिर्फ उन 11 मिनट में। बट स्टिल पासिंग रेट कम है, क्योंकि वो इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना? तो यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट, वेरी एलैबोरेटेड, और आपको पता हो कि मरीज ने एक चीज़ मुझसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोल दी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसका पूछना क्या। ये नहीं पूछना अच्छा ब्लड लग गया था ठीक रहे थे, नो, किसने दिया था, फ्रेश ब्लड था, कितनी देर में गया था, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ था, दैट्स इट। बहुत कहानियाँ भी नहीं डालनी होती, लेकिन 2-3 सवालों में ये अपनी लिस्ट बनाओ, यह केसेस। इसीलिए जो वाइवे की तैयारी है घर बैठ के ना करना, मेक अ ग्रुप, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपस में डिस्कशन से निकलते हैं। किताबें शिताबें पढ़ लेते हो रिटन टॉक्स तक, टॉक्स भी खैर मिल के ही होता है, लेकिन जो वाइवा है ना उसके लिए यू नीड टू हैव गुड पार्टनर्स, ठीक है? तो वो कर लेना। तो फिर अब अच्छा, और हिस्ट्री में बताओ, ठीक हो गया जॉन्डस का ये, और क्या कर सकते हैं हिस्ट्री में? अब ये वाला जो अलवीना का केस था, थोड़ी सी हमें समझी बता दो अलवीना, फिर हम उसी केस को डिस्कस कर लेते हैं, तो ज़रा वो बेहतर होगा।
Mrs. Asma, wife of Farooq, age 32 year, resident of Lahore. Her blood group is A positive, married for 10 years, grabbed a 5 para 3 abortion 1, all SVDs. Her last menstrual period was 26 November 2018. She was sure of date and her cycle was regular, making her estimated date of delivery 3rd September 2019. Duration of pregnancy was 28 weeks. Admitted in labor room of Hamilti Hospital through OPD on 7th June 2019 at 4 p.m. with history of fever for 10 days, complaint of yellow discoloration of eyes and urine for 5 days. Patient conceived spontaneously. Sorry, हम साथ साथ ही कर लेते हैं. अब ये देखो presenting complaint, patient की language में yellow discoloration और वो और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इसी तरह से ही वो करना है. ग्रेविडा 5 पैरा 4 प्रीवियस एसवीटीज है, ठीक है. चलो अब एच ओ पी आई साथ साथ कर लेते हैं. Patient conceived spontaneously and confirmed by urine pregnancy test. There was history of regular intake of folic acid. No history of PV discharge, PV bleeding, fever, itching, flu-like symptoms, body rash, and no history of nausea and vomiting. Her dating scan was done, but she doesn't know the exact calendar date. But scan was normal. Her pregnancy was intrauterine and fetal cardiac activity was positive. Second, she felt fetal movement for the first time the start of 5th month. She took iron and calcium regularly. She had regular antenatal checkup. Her blood pressure and random BSR was found normal. Knuckle translucency and anomaly scan was done, which was normal. According to patient, there is no history of PV leaking, PV bleeding, lower abdominal pain, and urinary tract infection. And the third trimester में इसका जॉन्डिस का, ठीक है. अब इसने वो मैं अभी बात करते हैं, इससे भी साथ साथ तो खैर फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर का ठीक किया, लेकिन आई टू आई ज़रा कांटेक्ट करके और पेपर रीडिंग ज़रा कम करनी है इस वजह से. और बाकी ये कि पेशेंट 28 वीक्स पे प्रेजेंट की है विद येलो डिस्कलरेशन और इचिंग के साथ, ठीक है. तो उसमें फिर अब जब सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हो गया तो थर्ड ट्राइमेस्टर में खैर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे कि वो जो सारा डी डी का था, ठीक है, उसी तरीके से सारा कर लेना है. टाइम ताकि कवर हो जाए हम अब आगे बात कर लेते हैं. और फैमिली हिस्ट्री और वो सारा हमने कर लिया हुआ, ठीक है, क्योंकि पेपर रीडिंग का कोई इतना वो पॉइंट बनता नहीं है. तो इसके अंदर जो है अब फैमिली हिस्ट्री में आप वाली बात के कोलिस्टेसिस ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ इचिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट फैटी लिवर का इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप, ठीक है, RH फैक्टर, बिल्कुल ठीक है, ए पॉजिटिव आप बता चुके हो, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट फॉर हीमोग्लोबिन पूरा बोलना है. वो जो कुछ थोड़े से नए लोग भी यहाँ बैठे हैं, मैं ज़रा जल्दी से बताती हूँ क्योंकि फिर हमारा टाइम ज़्यादा निकल जाएगा. कंप्लीट ब्लड काउंट उसके अंदर पूरा पूछना होता है, फॉर हीमोग्लोबिन इन ग्राम्स पर डेसीलीटर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट. एग्जाम में हर चीज़ प्रॉपरली करनी है, एग्जामिनेशन भी प्रॉपरली करना है. एग्जामिनेशन पर हमने ज़्यादा बात नहीं की, वो भी अभी साथ ही कर लेते हैं. जब आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी लिम्फ नोड, यही समझना है कि ये आपका मरीज़ है जिसको आप देख रहे हो. कोई मकसद है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का, उसका मकसद ये है कि अगर कोई फाइंडिंग मिल गई है, कोई लिम्फ नोड बड़े मिल गए हैं, कोई थायराइड मिल गया है, तो यू शुड नो वेयर द पेशेंट, वेयर टू रेफर हर, ठीक है ना. इसलिए ये नहीं कि भाई जल्दी जल्दी यूँ करके देख लिया, प्रॉपरली देखना है, ठीक है. थायराइड का प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रॉपर करना है, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन प्रॉपर करना है, इसका पूरा टाइम रखना है और उसका मकसद पता होना चाहिए. क्योंकि अगर आप सिर्फ ये करो कि मेरा तो गायनी का एग्जामिनेशन इज ही इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज़ नॉट राइट. सेकेंडली, जो जनरल फिजिकल आई होप आप सबको आता है, इसलिए मैं बेसिक बात दोबारा नहीं करी. जनरल फिजिकल के अलावा जॉन्डस या लिवर वाले पेशेंट में क्या देखोगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो पीए के ऊपर है ना, ठीक है. और देखो इस तरह के पेशेंट में जनरलाइज्ड ब्रूजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिलेड हीलिंग और कोएगुलेशन प्रोफाइल इफेक्ट हुई हो सकती है. जॉन्डस किधर देखोगे, येलो डिस्कलरेशन किधर होगी, हाँ शाबाश, नोज और टंग, बिल्कुल ठीक है. अच्छा उसके अलावा एब्डोमेन पे क्या क्या चीज़ें होंगी, स्क्रैच मार्क्स हो सकते हैं, और
और पल्मोनरी बिल्कुल ठीक है, और हाईली वो जो रेयर चीज़ है लेकिन वेस्कुलरिटी देखेंगे ठीक है, और उसके अलावा पैल्पेशन पे क्या देखेंगे? किधर? वेरी गुड, और लिवर इनलार्ज्ड होएगा, हो सकता है इनलार्ज, श्रंकन तो हमें पता नहीं लगेगा, वो सिरोसिस में होता है लेकिन इनलार्ज हो सकता है, और है एसआईटीज अगर लग रहा हो ठीक है, उसके बाद आप करोगे अपना ऑप्स का एग्जामिनेशन, तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पे बोलनी होती है। उसके अलावा जो है इन्वेस्टिगेशंस में बता रही थी, इस तरह से कंप्लीट बोलोगे हर चीज़ को, इसी तरह बाकी सारी ब्लड शुगर करोगे, हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस वाले बाद में मैं बताती हूँ, यूरिन कंप्लीट ठीक है, इसके अंदर क्या क्या बोलोगे फॉर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माइक्रोस्कोपी में रफली आपको पता होना चाहिए हर हर मरीज़ में, पस से ल्यूकोसाइट काउंट, नाइट्रेट्स, प्रोटीन, कीटोन्स पता करनी होती हैं ठीक है, इस तरह के पेशेंट में यूरोबिलिनोजन का भी पता लगेगा या बिलीरुबिन ठीक है, वो अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड की वजह से। उसके अलावा जो है हेपेटाइटिस का क्या क्या मांगोगे? हेपेटाइटिस जल्दी बता रही हूँ, सच अ लॉन्ग टॉपिक ना, पहले तो इजी वाला मांग लो ना, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन और एंटीएचसीवी, और ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोल देना ए ई बी सी के टेस्ट, नहीं लिख के क्या दोगे, हेपेटाइटिस एंटी हेपेटाइटिस ए वायरल एंटीबॉडीज और ई की, इसी तरह बिल्कुल एंटी हेपेटाइटिस ए और ई ठीक है, ये मांग लोगे। अच्छा अब अगर आ जाता है, अभी ये भी बड़ी लंबी बात है, अगर बी पॉजिटिव आए तो क्या करोगे, सी पॉजिटिव आए तो क्या करोगे, ई और ए का तो चलो फिर भी आसान है, उससे ज़्यादा तो नहीं कुछ और मांगोगे, ये भी मैं बताती हूँ, पहले बेसलाइन पूरी कर लें, उसके बाद शाबाश वेरी गुड, देखो अगर तो जॉन्डस के साथ पेशेंट आई है तो उसके एल एफ टी तो ख़राब होंगे तो कोएगुलेशन प्रोफाइल मांगेंगे, अगर वो सिर्फ फॉर एग्जांपल जॉन्डस वगैरह नहीं है, किसी पेशेंट का हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ जाता है गलती से, क्रॉनिक है ना यानी कि वो, तो हम बस उसके एल एफ टीज़ कराएँगे, अगर एल एफ टीज़ ठीक हैं तो बस ठीक है, फिर बाकी इलाज बाद में कि पी सी आर कराएँ कोएगुलेशन कराएँ वो मेडिसिन वाले देखेंगे, अगर उसके एल एफ टीज़ ठीक नहीं है तो हमारा काम पहले रुक जाएगा, फिर हम पहले मेडिसिन वालों के साथ उसका पी सी आर कराएँ, वो कोएगुलेशन प्रोफाइल कराएँ, वो सारा कुछ करेंगे ठीक है, फिर प्रेगनेंसी तो ज़ाहिर है वो तो देखेंगे ही, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी एल एफ टीज़ जो ख़राब होगा, लेकिन अगर पेशेंट आई ही येलो डिस्कलरेशन और इचिंग के साथ है तो एल एफ टीज़ तो ख़राब होंगी तो फिर हम उसका कराएंगे, या वो अगर कोलिस्टेसिस का पेशेंट है जिसमें एल एफ टीज़ ख़राब है लेकिन बिलीरुबिन ठीक है और इचिंग वगैरह उसमें भी कराएंगे ठीक है, यानी वेर एवर यू थिंक दैट एल एफ टीज़ ठीक नहीं है और जिसमें एल एफ टीज़ ठीक नहीं है फिर उसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमन फॉर लिवर एकोटेक्सचर भी होगा अदर देन ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन, ये अपनी लिस्टें बनाओ, अभी तो बहुत टाइम है कर सकते हो, सारे टॉपिक्स की लिस्ट लिखो, बेसलाइन तो याद हो, बेसलाइन तो फिंगर पे टिप्स पे होनी चाहिए ना, जिसको बेसलाइन ही नहीं पता वो तो फिर कुछ भी नहीं ठीक है, बेसलाइन तो वैसे वेरी फ्रैंकली एग्जाम सिनेरियो में जाके बेसलाइन भी याद नहीं आती, अपने रिफ्लेक्सेस ऐसे बनाओ कि बेसलाइन तो होनी चाहिए, बेसलाइन में मिस हो जाती है बात, कोई शुगर मांगना भूल जाता है, कोई शुगर यूरिन मांगना भूल जाता है ठीक है ना, तो बेसलाइन तो होनी चाहिए, उसके अलावा स्पेसिफिक टू द पेशेंट कि अगर एल एफ टीज़ ठीक नहीं है तो क्या करना है, किसी का सी पॉजिटिव है तो क्या करना है, किसी का सी पॉजिटिव विद एनीमिया है तो मैंने क्या मांगना है, किसी का विद क्या पता क्यों, एक चीज़ थोड़ी होती है मरीजों में, किसी को शुगर तो वैसे ही आजकल हर एक में होती है, तो आपके फिंगर टिप्स पे हो कि शुगर के लिए मैंने क्या क्या किया और साथ मैंने लिवर के लिए क्या क्या कर लिया, तो फिर यू डोंट मिस थिंग्स, इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ लोगों का वाइवा इन्वेस्टिगेशन से आगे नहीं गया, हालांकि वाइवा तो शुरू होता ही मैनेजमेंट से, वो इसलिए इन्वेस्टिगेशन पे फंसे रह जाते हैं क्योंकि वो दो तीन चीज़ें एक साथ लेके चलना मुश्किल होता है एग्ज़ाम में, वहाँ पे क्योंकि आपका सिनेरियो ऐसे, वेरी फ्रैंकली कई दफ़ा प्रैक्टिकल लाइफ में भी वैसे ही सिनेरियो हो जाता है, आप 1000 मरीज़ देख रहे होते हैं, रात के 3 बजे कॉल आ जाती है कि जी हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट आया क्या क्या करना है, जब तक आप उस सारे सिनेरियो में से गुजरे नहीं होते ना कि डायबिटीज़ में एग्जैक्टली पता है क्या करना है, आप हर मरीज़ में हर लैब नहीं करा सकते, ये गुनाह है याद रखना,
ये ज्यादती है मरीजों के साथ, एग्जाम में तो बख्शे ही नहीं जाते हो अगर ऐसा कर ले, एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन मांग ली ना तो वहीं फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का इस्तेमाल गलत है, ठीक है ना, बिकॉज यू शुड नो कि आपने किस में क्या कराना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब लिस्टें बना के आप फिंगर टिप्स पे करो ये चीज़ें, क्योंकि आप लोगों ने देखो हम लोगों ने इतनी ट्रेनिंग की होती है, हमें लगता है कि वी कैन मैनेज, वी विल डू इट, बिकॉज हमने 1000 मरीज देख लिए हैं, डायबिटिक का पता है कि जी ये, बट इवन देन यू विल मिस थिंग्स, आप भूल जाओगे आपने फंडोस्कोपी मांगनी थी, आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने RFTs डायबिटिक में मांगने थे या हाइपरटेंसिव में या दोनों में या किस में मांगना था, यू नो दीज आर स्मॉल थिंग्स। फिर आप भूल जाओगे कि डायबिटीज़ में LFTs कब कराने हैं, कब कराओगे, जब वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिया क्लियर है, वरना ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो सिर्फ प्रैक्टिस है, कहने को टॉपिक्स लिमिटेड हैं, कोर्स लिमिटेड है, लेकिन है नहीं, क्योंकि हर हर पेशेंट में ना जितने भी साल गुजर जाए वो एक अलग ही, वो एक पूरी किताब है, वो इतना डिफरेंट है हर मरीज, जिन्होंने पहले पार्ट टू दे दिया वो तो उनको आइडिया है कि किस क्या है सारा ना, किस चीज़ में से आप गुजर सकते, तो आपने ये करा लेना है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको स्कैन बता दिया, अब ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन मांगना भी, बिकॉज हमारी क्लास अभी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पे नहीं है, एक खाली क्लास इन्वेस्टिगेशन पे भी कर लेंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड किस तरीके से मांगना है, ठीक है, ऑप्स का स्कैन कैसे मांगना है, डेटिंग स्कैन में क्या क्या मांगना है, एनोमली स्कैन में क्या क्या मांगना है, फिर रिसेंट स्कैन में क्या क्या मांगना है, ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इसके नंबर नहीं हैं, ये तो आना ही चाहिए, नंबर तो उस चीज़ के हैं जो आप उस पेशेंट से रिलेटेड उसके बाद मांगोगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ करना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी एक क्लास हम रख लेंगे खाली इन्वेस्टिगेशंस पे भी, अगले वीक रख लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई, अब थोड़ी थोड़ी बात मैं जॉन्डस से रिलेटेड मैनेजमेंट की कर लेती हूँ, बिकॉज क्लास जॉन्डस पे, इस वजह से मैं अभी इन्वेस्टिगेशंस को उस तरह से डिटेल में, अब फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशंस में अगर हेपेटाइटिस ए या ई आ जाता है तो फिर क्या, थोड़ा सा कोई मैनेजमेंट में बता दे क्या करोगे। LFTs ऑब्वियसली डिरेंज्ड है, कोएगुलेशन प्रोफाइल ठीक है, ऐसे नहीं बोलना, इधर आके बैठो, जरा समझ आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी, ऐसे नहीं बोलना, प्रॉपर प्लान और एम और प्लान ऑफ मैनेजमेंट करके बताओ, शमला माइक पकड़ लो। ऐसे नहीं बोलना, चुप कर, मैं बताती हूँ, बातें आपकी सारी ठीक है, करते जो है हम ये सारा एक्सपीरियंस से बता रही है, लेकिन एग्जाम में नहीं ऐसे कर सकते, ना ही वैसे आप करते भी नहीं हो, प्रैक्टिकली भी आप ऐसे नहीं करते। जब OPD में एक मरीज हेपेटाइटिस ई पॉजिटिव की रिपोर्ट लेके आता है और LFTs डीरेंज लेके आता है, आप ये तो नहीं कहते कि मैं आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करूँगी, आप पहले मरीज को काउंसिल करते हो कि उसे है क्या, ठीक है ना, तो सबसे पहले काउंसलिंग करेंगे, आई विल काउंसिल द पेशेंट एंड हर हस्बैंड दैट शी इज़ हैविंग हेपेटाइटिस ई पॉजिटिव बिकॉज ऑफ विच शी इज़ हैविंग येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और स्क्लेरा एंड ऑल द सिम्टम्स आर प्रॉबली ड्यू टू दिस हेपेटाइटिस ई पॉजिटिव। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू हर द सिवेरिटी ऑफ द कंडीशन, द पॉसिबल मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रिलेटेड टू दिस एंड ऑल्सो टू द बेबी। उसको सबसे पहले अलार्म करेंगे, जब आपने पहला लफ्ज़ ही बोला आपकी एडमिशन वाली बात से ही पता चल गया, आपने कहा ऑब्वियसली एडमिट करेंगे, बट दिस इज़ वॉट यू एंड आई नो, पेशेंट को तो नहीं पता कि कितनी सिवेरिटी वाली बात है जो हम उसे एडमिट करेंगे, ठीक है ना, कितना हम डराते हैं हेपेटाइटिस ई वाले मरीज को, वो बनता भी है, उसे बताना तो है ना कि ये पॉसिबल, सो आई विल काउंसिल हर द डायग्नोसिस पॉसिबल, ये हर मरीज में ही करना है, तो ये रट्टा मार लो इसे, डायग्नोसिस जो होगा वो ऐड कर देना उसमें एंड द पॉसिबल, उसके बाद आपको ऑप्स में हर एक की पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए रफली, ताकि आपको फौरन से जवाब देना है कि एंड द पॉसिबल फीटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रिलेटेड टू दिस बिकॉज ऑफ विच ही नीड्स एडमिशन।
ठीक है, यहाँ पर एडमिशन, फिर देर आर मेनी अदर केसेस एंड ऑप्स जिसमें एडमिशन वेक सा होता है, उसमें आपको एडमिशन जस्टिफाई करना पड़ता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में, ऐसे जो कि ज़रा पेशेंट स्टेबल हो लेकिन मॉनिटरिंग के लिए कर रहे हो, उसमें फिर अलग डिस्कशन है एडमिशन के साथ। इसमें तो एडमिशन बनता है बिकॉज ऑफ द सिवेरिटी, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, पहले आपने इसको एक तरीके से, जैसे मैं एक वैसे काफ़ी दफ़ा पहले बता चुकी हूँ, आप लोगों में से कई नए लोग हैं, कि एम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लान ऑफ मैनेजमेंट करके चलना है ऑप्स में हर पेशेंट में। एम के अंदर चार पांच पॉइंट्स हैं जो हर एक में करोगे। इसमें मेडिकल डिसऑर्डर है तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसके साथ ही, गेस्टेशन पर डिपेंड करता है, ये वाला मरीज 28 प्लस पे है तो डेक्सा कवर पे हम वहीं बात कर लेंगे, और कोई अदर एडेड चीज़ तो नहीं है, जैसे उसको कोई यूरिनरी सिम्टम हो, कोई प्रीटर्म, ये वाली पता नहीं, मुझे लगा पेन एब्डोमेन भी इसने कहा तो प्रीटर्म के साथ तो नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ मैनेज करेंगे। और उसके बाद एम में आ जाएगा कि आई वुड लाइक टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी इफ़ पेशेंट्स रिमेन स्टेबल और हर LFT इज़ इम्प्रूव, ओनली देन विद स्ट्रिक्ट फीटो मेटर्नल मॉनिटरिंग, ठीक है। अभी हमने ये नहीं बताया हमने कहाँ तक जाना है, हमने ये भी स्ट्रिक्टली इस केस में कहा है, वो हर एक में हम नहीं कहते, सिर्फ इसमें कहा है कि इफ़ पेशेंट रिमेन स्टेबल और हर LFT इज़ इम्प्रूव, क्योंकि अगर वो डिटेरियरेट हो रहे हैं तो इतनी मोर्टेलिटी है, तकरीबन मेरा ख्याल है 60-70% मोर्टेलिटी है ई में, नहीं नहीं वेरी हाई मोर्टेलिटी ई के अंदर, तो बल्कि कुछ किताबों में 80% मोर्टेलिटी लिखी है ई के अंदर, मोर्टेलिटी देखो ज़रा ई में मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो वो फिर आप इसको वो करोगे, फिर इसलिए आई विल कंटिन्यू ओनली इफ़ इट इम्प्रूव्स, LFT इज़ इम्प्रूव, ठीक है। फिर अब आप उसमें प्लान ऑफ मैनेजमेंट में आ जाओगे, उसमें फिर आप मज़ीद डिस्कस कर सकते हो कि एडमिट करेंगे, ठीक है। एडमिशन के साथ ही हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में क्या कौन कौन इन्वॉल्व होएगा बताओ शमाला। ठीक है, ठीक है, पीडियाट्रिशियन का थोड़ा सा ले सकते हैं कि वो क्या हो। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, ये बिल्कुल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करोगे, और उसके अलावा जो है आप बाकी भी ऑब्स्टेट्रिशियन तो हो ही, नियोनेटोलॉजिस्ट हो सकता है, स्कैन पे डिपेंड करता है वो, ऑब्वियसली अगर हमें प्रीटर्म डिलीवर करना पड़े देन तो डेफिनेटली येस, और एनेस्थेटिस्ट का भी हम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके अंदर जो है ना, हाँ दूसरी बात ये कि डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट ऑल्सो वेदर शी हैज़ टू बी केप्ट इन द गायनी अंडर केयर ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट और शी कैन इवन बी ट्रांसफर टू द मेडिकल यूनिट। अगर वो पेशेंट के LFTs इतने डिटेरियरेटेड है, ऑप्स में तो हमने सिर्फ बेबी और उसको मॉनिटर करना है ना, और मॉनिटरिंग इफ़ प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कम्स आउट टू बी फाइन, कोई भी मसला नहीं है, तो LFTs मॉनिटरिंग वगैरह के लिए शी कैन इवन बी ट्रांसफर टू द मेडिकल यूनिट, ठीक है। तो और उसके अंदर क्या क्या करोगे, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को किया, एंड आई विल लाइक टू रिपीट हर लिवर फंक्शन टेस्ट, गेट एन आइडिया फ्रॉम द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑल्सो इफ लिवर फंक्शन टेस्ट आर डिटेरियरेटिंग देन कोएगुलेशन प्रोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। फिर क्या करेंगे, इवन टर्मिनेशन कैन इवन बी ऑफर टू द पेशेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मेटर्नल लाइफ, ठीक है ना। लेकिन अब पेशेंट है 28 वीक्स पे, ये है थोड़ी सी वायबिलिटी की बॉर्डरलाइन स्टेज, तो डिपेंड करता है। ये जिस पेशेंट की बात करिए अलवीना, इसके स्कैन के ऊपर वी हैड डिक्रीज लाइकर एंड 28 वीक्स पे ये थी, ऑफ एंड ऑन प्रीटर्म लेबर के साथ आती थी, बट इंटरेस्टिंगली हर लिवर फंक्शन टेस्ट वर मार्केडली इम्प्रूविंग, मार्क्ड इम्प्रूवमेंट थी फ्रॉम फर्स्ट। इसमें ऑल्टरनेट डे पे आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हो, अगर वो डिटेरियरेट हो रहे हैं तो आप डेली भी करा सकते हो, ये सब्जेक्टिवली चेंज हो जाता है विद द रिपोर्ट जो आ रही हो, ठीक है। आप डेली भी करा सकते हो, अगर इफ़ दे आर डिटेरियरेटिंग देन वी ऑफर टर्मिनेशन, इफ़ नॉट तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक हैज़र्ड क्या है कि अगर देर इज़ डिक्रीज लाइकर बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस ई पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस वायरस विच इज़ प्रेजेंट, बॉडी के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आई होती हैं विच अफेक्ट्स प्लेसेंटा, तो वो प्लेसेंटल फ्लो ख़त्म करता है विद टाइम। सो इट्स नॉट ओनली डिक्रीज लाइकर विच इज़ डेंजरस फॉर द बेबी, इट्स बायोकेमिकल चेंजेस ऑल्सो जो जाके बेबी को और अफेक्ट करेंगे। सो देर आर हाई चांसेस ऑफ IUD इन दिस पेशेंट,
कि अगर हम इस पेशेंट में प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी करें तो शी मे एंड अप इन आईओडीएन इन अ वीक और सो, ठीक है ना। तो इस वजह से ये ख़तरनाक हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा क्या होता है, तो ये तो हेपेटाइटिस सी का मैंने आपको रफली सारा बता दिया। 25 से 30 की कहाँ पे नेट से लेकर के नहीं है। हाँ 56-60% भी है। सो लिवर डिजीज और इसमें विद हेपेटाइटिस ई इवन 25-30% इज़ हाई। लेकिन 25-30% जो है ना वो और लिवर डिजीज़ में है, जैसे कि वैसे एक्यूट फैटी लिवर में भी फर्मिनेंट में ट्रांसफ़र होने में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हेपेटाइटिस ई है उसको तो कभी नॉर्मल नहीं, उसको इतना लाइट नहीं कभी भी ले सकते, स्पेशली इफ इट इज़ डिटेरियरेटिंग, ठीक है। तो उसमें टर्मिनेशन। और सेकेंडली ये कि जो है ये तो हमने हेपेटाइटिस ई का कर लिया, ठीक है। जब अगर टर्मिनेशन या डिलीवरी का भी आएगा फिर उसकी एक अलग डिस्कशन है कि हाउ विल यू डिलीवर, उसमें वो सारा भी किस तरह से जवाब देना है वो भी वैसे मैं पहले बता चुकी हुई हूँ। लेकिन ये है कि अभी हम डिफरेंट डीडी जल्दी से कर लेते हैं जॉन्डस से रिलेटेड, इन सब की क्लास में रखा ले, नेक्स्ट टाइम रख लेते हैं जो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस कर लेंगे। और हम ये कि इंडक्शन के जवाब किस तरह देने हैं ये शॉर्ट शॉर्ट मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह से। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बी पॉजिटिव है उसकी तो बड़ी पैथोफिजियोलॉजी है हेपेटाइट, वैसे वो है एसीक्यूज और एमसीक्यूज और थ्योरी के ज़्यादा और टोक्स का स्टेशन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का, कि बेबी होगा तो क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या कराएंगे, पूरा बोला करो, आदत डालो, एग्ज़ाम में फिर इसी तरह बोलोगे। टेस्ट ने बोला ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, मतलब यू शुड नो कि पूरा जवाब कैसे देना है, ठीक है ना। इस तरह से बनी, हाँ बताओ, शाबाश, वेरी गुड, और हेपेटाइटिस ई एंटीबॉडी कराएंगे, बिल्कुल ठीक। क्या क्या होता है, सरफेस एंटीजन, ई एंटीजन और कोर, ये तीन होते हैं, ये तीन एंटीजन और इन तीन की एंटीबॉडीज, ठीक है। जो तो होती है ना क्रॉनिक, उसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आता है और बाकी जो एंटीजन है उनकी आईजीजी पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। जो एक्यूट होता है ना उसके अंदर हेपेटाइटिस ई एंटीजन पॉजिटिव आता है, मेन ये बात है, और दूसरे के आईजीएम पॉजिटिव आता है। लेकिन हेपेटाइटिस ई एंटीजन पॉजिटिव आए तो वो जो तो ई पॉजिटिव आए ना वो तो हाईली इन्फेक्टिव है, वो बेबी की बर्थ में भी इन्फेक्टिव है, वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी इन्फेक्टिव है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक में है ना तो फिर वो नहीं है इन्फेक्टिव, ठीक है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन हम बात कर चुके हैं। अगर ज़्यादातर देखो हमारे पास तो क्रॉनिक ही आते हैं, क्रॉनिक के अंदर ट्रांसमिशन कितना है बेबी में, अर्ली ट्राइमेस्टर में कम है और लेट में ज़्यादा है, लेकिन इंट्रापार्टम ज़रा ज़्यादा है। वो भी आप कुछ स्पेसिफिक मेजर्स कर लो कि रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करो तो वो ज़रा बेहतर होता है वो। और उसके अलावा बेबी जब क्रॉनिक मदर का डिलीवर हो उसके बाद क्या करना होता है, हाँ क्या, वेरी गुड, अच्छा। और बच्चे में क्या चेक करेंगे, नहीं नहीं वो तो प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेजर्स है ना, चेक क्या करेंगे, एक तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे, लोगे मॉनिटरिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ के, और उस पेशेंट का आईक्यू लेवल या उसकी अपनी कंप्लायंस। कई दफ़ा होता है कि अनकंट्रोल्ड है डायबिटीज़ अगर पेशेंट आ गई है और वो इतनी पढ़ी लिखी और कंप्लायंट है कि यू नो कि वो आपको मोबाइल पे भी बता देगी अपने लेवल, जैसे कि हम प्राइवेटली उसमें करते हैं। तो वी डोंट एक्चुअली एडमिट एवरी पेशेंट फॉर मॉनिटरिंग, हम अपने मोबाइल से मॉनिटर कराते हैं, उसे कह देते हैं ग्लूकोफेज ले लो, वो ग्लूकोफेज लेके अगला 1 आवर आफ्टर का लेवल, इफ पॉसिबल एक्स्ट्रा एडमिशंस। और वो यहाँ पर तो खैर हर जगह इट्स नॉट ईजी, ठीक है। और अगर एडमिट कर ही लिया तो वो कब तक एडमिटेड है, आप तो कह रहे 28 में, जो आपकी बात से पता चला कि पेशेंट आई थी इचिंग के साथ LFT थी रेंज है, आपने एडमिट कर लिया और अब आप उसको लेके एंड तक रखा हुआ, यू नेवर टोल्ड मी कि आपने एडमिटेबल तो कर लिया, चलो पता नहीं वैसे उसमें साथ ही बोलो मे बी बिकॉज शी हैज़ कम सो इतनी दूर से आई है कि शी के नॉट कम हेयर अगैन, और क्यों, क्योंकि साथ बोलो कि इसके फीटल मॉर्बिडिटी कितनी ज़्यादा है। अगर एडमिशन ही बोल दिया बता दो कि 40% इसमें IUD है, कितने मतलब यू शुड नो, वैसे इंसिडेंसेस तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए,
हर चीज़ के इंसिडेंसेस का बड़ा एक्स्ट्रा एज है. इंसिडेंसेस बहुत अच्छे मैटर करते हैं एग्ज़ाम में. गाइडलाइंस के अच्छे विद रेफरेंस के आपको पता हो कि जी गाइडलाइन में इतने परसेंट लिखे हैं, तो इस ये बड़ा ये आपको ना एग्ज़ाम में बचाते हैं आपके उससे डिसीजन से. अव्वल तो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस वाले में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती. क्यों होती है? कभी किया वार्ड में एडमिट मरीज? फिर कितने दिनों के लिए? 28 वीक्स पे करके एंड तक? वो प्रॉबेबली इस वजह से कि वो थोड़ी सी इग्नोरेंट होगी, शायद वो वापस ना आ सकती हो फौरन से. अब जैसे हम लोग इस सेटअप में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. देखो एक पेशेंट है जिसमें, लेकिन प्रॉबेबली आप इसलिए भी करते होंगे कि LFTs डीरेंज हो गए तो हेपेटाइटिस सारा प्रोफाइल हो जाए वो सारा इस वजह से, नॉट बिकॉज के उसको इचिंग या को इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस डायग्नोस्ड है. तो लेकिन अगर पेशेंट एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल. हाँ इवन देन आप हेपेटाइटिस प्रोफाइल सारा कुछ कराते हो उसको रूल आउट करने के लिए, तो वो तो आप ठीक है फॉर वन और टू डेज इट्स ओके. बट देन और सेकेंडली जब आप एग्ज़ाम में मैनेजमेंट की बात करें तो उर्सो ठीक है आपने बोल दिया, बट अगर पूरा उसका नाम बोलो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना. और सेकेंडली बाकी मैनेजमेंट ठीक, लेकिन बोलने का स्टाइल वही. जब जैसे ही पेशेंट ने मैनेज एग्जामिनर ने मैनेजमेंट की बात की है तो पहले काउंसिल तो करो. और काउंसलिंग के वक्त तक देखो जब आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर रहे होगे ना तो आपके पास सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, आपके पास पेशेंट बैठा है इचिंग के साथ, ठीक है. इन्वेस्टिगेशंस आप मांग चुके हो, आपने ज़ाहिर है हेपेटाइटिस ए ई सारी मांग ली हुई है और बाइल एसिड्स भी मांग लिए बिकॉज इचिंग है, LFTs भी मांग लिए. हो सकता है उन्होंने आपको, हो सकता नहीं है कहेंगे कि हमारे पास ए ई का नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, या कोई आपको रिपोर्ट्स नहीं भी दी और आपकी मैनेजमेंट का अगर वाइवा शुरू हो गया तो फिर आप बिफोर स्टार्टिंग विद द काउंसलिंग ऑफ पेशेंट आप कहोगे कि मैडम आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट. जब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ आप मैनेज नहीं कर सकते. मैनेजमेंट सेकेंड हाफ ऑफ वाइवा, ठीक है. फर्स्ट हाफ में तो पैथोफिजियोलॉजी की बात होगी. वो वाइवा अच्छा नहीं है अगर वो आपकी हिस्ट्री पे पॉइंट आउट कर रहे हैं. हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वाइवा. वो ख़त्म हो गई बात, जब वो आपके आधे घंटे का हिस्सा है. जब आप प्रेजेंट कर चुके हो और उनसे इन्वेस्टिगेशंस मांग चुके हो मार्क्स वहाँ तक है. अगर आपके पहले 11 मिनट में उस पर बात हो रही है तो आपके वो 11 मिनट ख़राब हो रहे हैं. सो यू शुड बी सो परफेक्ट इन योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन कि एग्जामिनर को कोई पॉइंट ना मिले उसके बारे में पूछने का कि आपने इसके RFTs क्यों कराए या आपने इसके फलानी चीज़ कोएगुलेशन प्रोफाइल क्यों करा लिया. यानी इट शुड बी सो गुड. योर वाइवा शुड स्टार्ट विद अ पैथोफिजियोलॉजी पहले 11 मिनट के, वहाँ से मार्क्स लगने शुरू होते हैं, ठीक है ना. तो वो आप करना शुरू करो, वो सारा वाइवा आपका पहले क्या. या फिर ये कि पहले 11 मिनट में वो कई दफ़ा डायबिटीज़ के लिए आपसे मैनेजमेंट इन अ सेंस के अगर ये लेवल्स आपके सामने रख देंगे कि इसकी इंसुलिन सेट करो या इसका वो करो, यानी कि आपकी आगे की बात हो रही है वो चीज़ हो तो वो और चीज़ है. तो इसमें लिवर वाले में तो पैथोफिजियोलॉजी का हो जाएगी बात ज़्यादा, ठीक है. उसके बाद आपके मैनेजमेंट की जब वो बात करने लगेंगे ना कि हाउ विल यू नाउ हाउ दिस इज़ योर पेशेंट एंड टेल मी योर मैनेजमेंट, उन्होंने आपको इन्वेस्टिगेशन में कई चीज़ें नहीं दी होती, जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं देते कई दफ़ा, या फिर वो कहते हैं या फिर इसके अंदर आपको वो कह देंगे ए ई नहीं दिया या फिर कुछ कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी, इवन बाइल सॉल्ट्स मिस कर दिए विच यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ हर चीज़ जो मांगी तो वही होगी ना जो इंपॉर्टेंट होगी. तो पहले अपने पेपर की तरफ देखना कुछ भी बोलने से पहले, चाहे आपको पता है कि इसका क्या डायग्नोसिस है, पता है कि ये फाइब्रॉइड का मरीज़ है, पता है कि जो भी है यू हैव टू चेक योर इन्वेस्टिगेशन. क्या पता उन्होंने आपको यूरिन कम्प्लीट दे दिया लेकिन कल्चर नहीं दिया, ठीक है ना. या फिर कोई ऐसी चीज़, क्या पता आपको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव दिया हुआ लेकिन LFTs नहीं दिए किसी मरीज. पहले आप इन्वेस्टिगेशंस की तरफ देखना फिर कहना, क्योंकि जब मैनेजमेंट शुरू हो गई फिर वो नहीं आपको देंगे, फिर वो कहेंगे कि आपको तो डायग्नोसिस कंफर्म कैसे, या फिर आपने तो उनके पास पढ़ा हुआ है कि ये तो UTI का मरीज़ है, वो कहेंगे आपने तो यूरिन की रिपोर्ट मांगी, आपने यूरिन कंप्लीट कर लिया जो आप UTI ट्रीट करते. सो देर आर मेनी थिंग्स. तो आप पहले देखना, कहना मैडम आई वुड लाइक टू कम्प्लीट माई इन्वेस्टिगेशंस, कहेंगे क्या चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना, बेशक वो लिवर का मरीज़ है लेकिन उसको UTI है,
तो पूछोगे तो सही ना, पहले इन्वेस्टिगेशंस पूरी करना, मैडम यू हैव नॉट गिवन मी रीसेंट अल्ट्रासाउंड या जो भी आपको लग रहा है इसके अंदर डॉपलर कराना है या जो भी कराना है, कहना मैडम आई डोंट हैव द डॉपलर रिपोर्ट, डॉपलर रिपोर्ट नहीं है तो मुझे क्या पता चलेगा कि इसका एसटी रेशियो क्या है या क्या है, ठीक है? तो वो कंप्लीट करके फिर बोलना शुरू करना, जिसमें फिर आपको पता हो कि सबसे पहले काउंसलिंग, इधर उसने मैनेजमेंट पूछी, उधर आपने मुँह से काउंसलिंग का लफ्ज़ निकालना, कि आई वुड लाइक टू काउंसल माई पेशेंट एंड हर हस्बैंड अबाउट द डायग्नोसिस दैट फ्रॉम हर इन्वेस्टिगेशंस शी इज़ हैविंग इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी विच इज़, फिर आगे बोलोगे कि दिस कंडीशन एसोसिएटेड विद दिस मॉर्बिडिटी फॉर द मदर एंड फीटस। एग्जाम में तो हमारे पास हेपेटाइटिस की रिपोर्टें सब कुछ होंगी, तो आई डोंट थिंक सो एडमिशन की ज़रूरत है अगर एल एफ टीज इतने डिरेंज नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है? पैथोफिजियोलॉजी ब्रीफली बताने की ज़रूरत नहीं होगी किसकी, जैसे पढ़ लेना, वो गाइडलाइंस है, वो कोई इतने मुश्किल, वो बाइल सॉल्ट्स का सारा सिस्टम है, वो अगर फर्स्ट हाफ ऑफ वाइवा में पूछेंगे वो ज़्यादा सवाल करेंगे आपसे सारा, ये लिवर डिजीज़ का डीडी का, जिसमें इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस के अलावा भी बड़ी सारी हैं, लेकिन गाइडलाइन में भी दी हुई है पैथोफिजियोलॉजी, तो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस की बहुत अच्छी गाइडलाइन है ग्रीन टॉप की, वो देख लेना, गाइडलाइंस तो वैसे भी करनी है, उसके अलावा क्योंकि आपको पास ना एग्जाम में रेफरेंसेस होने चाहिए, यू शुड नो व्हेन टू डिलीवर, क्यों डिलीवर किया क्योंकि गाइडलाइन कहती है, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है ना? आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हो रेफरेंस से, अच्छे रेफरेंस से। अच्छा, तो फिर आपने सारी काउंसलिंग कर बता देनी है, उसके बाद उसी तरह वही एम और प्लान कि जी डेक्सा कवर, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, उसको एनीमिया है, यूटीआई है, जो भी और है वो साथ में ट्रीट करेंगे, और उसके बाद इसका प्लान ऑफ मैनेजमेंट, क्या आई वुड लाइक टू टेक हर एज क्लोज टू टर्म एज, एम के अंदर देखो एक एम है एक प्लान है, एम के अंदर एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल, एग्जैक्ट जेस्टेशन बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आप प्लान बोलोगे ना तो फिर मॉनिटरिंग ऐसे नहीं बोलनी जैसे आपने बोला, फीटल और मटर्नल, पहले फीटल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि फीटल में छोटी बातें हैं, फीटल बहुत लिमिटेड मॉनिटरिंग है, फीटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहोगे, फीटल के काउंट, सीटीजी लेटर ऑन जब वो 34 के बाद, उसके अलावा बायोफिजिकल या ग्रोथ स्कैंस या डॉपलर, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। मटर्नल बहुत ब्रॉड हो जाती है, मटर्नल में फिर आप सिम्टम्स से शुरू करते हो, इसलिए पहले फीटल करके ख़त्म, क्योंकि अगर आप पहले मटर्नल में लग गए ना तो फिर फीटल की बात मिस हो जाती है, रह जाती है, फीटल में बोल के जहाँ जिस हद तक चाहिए, जहाँ पे आपको चाहिए कि बायोफिजिकल कभी नहीं बनता तो फीटल किक काउंट, और अभी सीटीजी की भी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम अल्ट्रासाउंड ही कराते रहे, ठीक है? जहाँ से बायोफिजिकल की इम्पोर्टेंस शुरू हो जाती है वहाँ पे बायोफिजिकल और साथ में फीटल किक काउंट और साथ में सीटीजी, ठीक है? और फिर उसके बाद आप आगे जो है डॉपलर की अगर ज़रूरत पड़े, अगर इस तरह का लिवर का मरीज़ है या कोई बायोकेमिकल का पेशेंट आ जाता है, डॉपलर एक बड़ा ना, देखो डॉपलर आपको एग्जैक्टली पता लगना चाहिए, आप एग्जामिन करो ना मरीज़ को, आपको पता होना चाहिए मैंने इस बेबी को डॉपलर कराना है कि नहीं कराना, जहाँ पे आपकी डेट्स मैच नहीं करी फंडल हाइट में, जैसे कि IUGR है, ओलिगो है, पॉली है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ही ना सेंसिटिविटी नहीं एग्जामिनेशन की रही कोई, यू कैन नॉट रियली टेल कि इसकी ग्रोथ बेबी की ठीक है कि नहीं, वहाँ डॉपलर कराएंगे, ठीक है? दूसरा कोई भी माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ है उसमें एक या दो डॉपलर 28-32 वीक्स पे कराने में हर्ज नहीं है, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन में, या किसी को APLS है या क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है एक्सेट्रा जो माइक्रोवैस्कुलर आ जाए, या फिर ये बायोकेमिकल चेंजेस वाला मरीज़ है करा लो डॉपलर, कोई हर्ज नहीं है, एक डॉपलर कराने में कोई हर्ज नहीं है, इफ़ नॉट एट 28 वीक्स 32 वीक्स पे करा लो, क्योंकि दिस बायोकेमिकल चेंजेस कैन डू हैव एन इफेक्ट ऑन प्लेसेंटा। इंट्राहेपेटिक में इतना रोल नहीं है, लेकिन इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि IUGR का इंसिडेंस है, IUGR इसके साथ एसोसिएटेड है, इसका भी कोई इंसिडेंस रेट है मेरे ख्याल है 25-30% और समथिंग, ये चेक कर लेना, तो कहीं लिखा नहीं हुआ, अगर कराओ तो इसकी ये जस्टिफिकेशन बनती है, अगर नहीं कराओगे क्या जस्टिफिकेशन बनेगी कि अल्ट्रासाउंड पे ग्रोथ ठीक है, लाइकर ठीक है, एग्जामिनेशन पे सब कुछ ठीक है, तो वही मेरे लिए काफ़ी है, ना कराने की हर चीज़ की देखो जस्टिफिकेशन है, अगर मांग ही लोगे तो कहो कि एक करा मैंने इसलिए लिया कि वी नेवर नो के एसटी रेशियो इफेक्ट होना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ द
बायोकेमिकल चेंजेस और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ आई यू जी आर विद इंट्रापैटिक कोलिसिस. सो दीज आर द टू जस्टिफिकेशन. मोस्टली लोग नहीं मांगते डॉपलर. सो इट्स अप टू यू, कोई हर्ज नहीं. लेकिन अगर थायराइड डॉपलर में मसला है फिर तो बात ही बदल गई. तो इस तरीके से और फिर आप इस तरह से मॉनिटरिंग लेके चलोगे, ठीक है. और कहाँ तक जाएंगे इंट्रापैटिक कोलिस्टेसिस? अगर सब कुछ ठीक रहता है, ठीक है, 37 कंप्लीटेड कहते हैं इसको, ठीक है. तो उसमें हम इसका फिर क्या करेंगे? अगर वो कहते हैं कि अच्छा चलो 37 पे आई तो क्या करेंगे? तो फिर अगेन आई वुड लाइक टू री एवेलुएट द पेशेंट रिगार्डिंग हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन. क्या पता कि वो आई डिक्रीज मूवमेंट्स के साथ है, तो फिर तो थोड़ा सा चेंज हो गया ना, इमरजेंसी साइट टाइप बन गई. फिर आप देखोगे कि इंडक्शन के काबिल भी है या क्या है. और इसलिए हिस्ट्री से शुरू करना है, एग्जामिनेशन दोबारा करो, क्योंकि मरीज आपके पास 2 हफ्ते के बाद आई है या 1 वीक के भी बाद आई है, फिर से एग्जामिन. क्या पता पहली पेल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन आ रही हो, ठीक है. एंड आई वुड लाइक टू डू हर बिशप, ये वर्ड्स बोलने हैं. ये शायद डॉक्टर राशिद अपनी क्लास में सारी बातें बता चुके हैं. बिशप, बिशप में क्या देखेंगे? सर्वाइकल राइपनिंग. इफ़ सर्विक्स इज राइप फिर तो चाहे सिंट्रो लगाओ या फिर इंडक्शन प्लान चेंज होएगा. इफ़ इट इज़ नॉट देन आई वुड लाइक टू राइपन हर विद प्रोस्टाग्लैंडिंस. यही टर्म्स यूज़ करनी है, ऐसे नहीं यूज़ करनी 37 पे आ गई 37 कंप्लीटेड पे मैं सेकंड यूज़ कर दूँगी बस. हम ऐसे बोलते हैं, दिमाग में यही सब कुछ होता है कि हम इससे पूछ लें, हिस्ट्री ले लें, एग्जामिन कर लें, री एवेलुएशन. हालाँकि हम अपने वार्डों में भी करते हैं, पर एग्जाम में माइंड में होता है कि इंडक्शन, उसके कोई नंबर नहीं है. लेकिन जो बोलेगा पूरी बात वो तो उस पर वो फिर एग्जाम है ना, क्योंकि हर कोई नहीं ना बोलता इस तरह से. और क्या इसमें मेकोनियम का इंसिडेंस ज़्यादा है, तो ये सारी बातें वहाँ पे विद इंसिडेंस बोलनी है. ये तो है ही थ्योरेटिकल. एक्चुअली ये जो जॉन्डिस इचिंग तो है ही थ्योरेटिकल टॉपिक, इसमें प्रैक्टिकली इतना कुछ करने का है नहीं, है ज़्यादा थ्योरेटिकल. यू शुड नो पैथोफिजियोलॉजी, यू शुड नो एग्जामिनेशन, जो हम MBBS में करते थे एक्चुअली, उसकी नॉलेज ज़्यादा है. फिर हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट फैटी लिवर एंड हेल्प, ये भी थ्योरी का सवाल है. वैसे क्या फ़र्क होएगा उसमें? होता है हाँ, इसमें जॉन्डस ज़्यादा होता है, इसमें जॉन्डस, और इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है. हाँ, टीएलसी भी ज़्यादा होता है. एक्यूट फैटी लिवर भी बहुत फर्मनेंट पे एंड अप हो सकता है अर्ली, सो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्यूट. उसमें भी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, उसमें सबसे ज़्यादा है मेरा ख्याल है, फर्मनेंट का है ना उसमें. तो ये सारा है. और कोई क्वेश्चन या कोई चीज़? मेरा ख्याल से वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेस. मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, उसमें फिजिशियन आपका ऐड करता है मेडिसिन, हैपामर्स ऐड करता है, सिम्टोमेटिक मेडिसिन ऐड करता है. आपने तो ऑब्स्टेट्रिकल केयर बतानी है ज़्यादा. इफ़ यू डोंट हैव मल्टी डिसिप्लिनरी टीम तो ऐसा मरीज शुड नॉट बी केप्ट इन सच अ सेटअप जिसमें नहीं है, क्योंकि ये हाई मॉर्बिडिटी रिलेटेड पेशेंट है, तो शी शुड बी रेफर्ड. इफ़ यू हैव, हाँ, इन एनी केस मैं तो कह रही हूँ उसको मेडिकल वार्ड में शिफ्ट करा दो. इस हद तक मैं तो कह रही हूँ कि अगर ऑब्स्टेट्रिकल सब कुछ ठीक जा रहा है तो वी विल कंसिडर कि इसकी कैसी कंडीशन है. If she is going towards a fulminant thing, या उसका bilirubin बहुत high हो गया या वो, तो she can even be kept in the medical ward. फिर हम decide कर सकते हैं कि termination करें या क्या करें, या termination के बाद shift करा सकते हैं. So, इतना role है medicine का hepatitis, acute hepatitis वाले मरीज में. तो मल्टी डिस वो लोग ऐड करते हैं मेडिसिन, हेपामर्स ऐड कर, वो इतनी डिटेल हमें नहीं पता करने की ज़रूरत, वो उसका नहीं है. इंट्राहेपेटिक वाले बेबी का क्या करोगे? है नहीं इंट्रापैटिक कोलिस्टेसिस का, उसमें विटामिन के का कोई रोल है? विटामिन के तो हर बेबी को वैसे, तो ये भी बोलना है, ये इसमें स्पेशली बोल देना. और मैम इसमें जो है वो लास्ट में एक इंजेक्शन काफी होता है, 3 दिन के लिए देना होता है? ये मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, ये चेक कर लो, ये देख लेना अब ये. लेकिन इसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट है, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा डोज इसकी है नॉर्मल से हट के बेबी का. हाँ, ये ज़रूर जो भी इन्फेक्शस वो बीड्स वाले का होगा. इसके अंदर जो है ना हर इन्फेक्शस डिजीज़ में मदर का मैंने बताया है, बर्थ पे बच्चे के साथ इमीडिएटली क्या केयर करनी है, इसके बगैर बात नहीं ख़त्म करनी है, ख़ुद बोलना है, एग्जामिनर पूछे ना पूछे, ताकि उसे पता हो कि आपने इस चीज़ को
कंसिडर की है, चाहे वो सी पॉजिटिव है, चाहे वो बी पॉजिटिव है, चाहे वो कोई भी और ई ए का या इंट्रापेटिक जो भी पेशेंट इस तरह का, उसमें बेबी का आपने ब्रेस्ट फीड की डिवाइस मदर को ख़ुद बतानी है, चाहे पे एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, कॉन्ट्रासेप्शन भी खुद बोलनी है क्योंकि इन पेशेंट्स में कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हैं, जिसमें तो नहीं है चलो उसमें तो बात ना भी हुई इतनी तो कोई नहीं, लेकिन ये जो थ्योरी की सारी बातें हैं ना वहाँ एंड तक लेके जानी है बात, खुद ही से उस पर बात ख़त्म नहीं करनी, ताकि वो पता लगे कि आप जो हो इसको वो कर रहे हो, यू नो कि इसका ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है इस चीज़ की उसके ऊपर, हर इन्फेक्शियस चीज़ की, डिज़ीज़ की या मेडिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारा है और मेरा ख्याल हो गया हमारा, चलें बस।